पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की कंपनीज आज भी कुछ क्वांटिटी में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, जो हफ्ते दर हफ्ते कम होने की बजाय लास्ट वीक 43% तक बढ़ा था। रशिया जो क्रूड ऑयल के ऊपर 20-35% पर बैरल का डिस्काउंट दे रहा है, शायद अमेरिका की कंपनीज भी उसको इग्नोर नहीं कर पा रही हैं। ये काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि जिस हफ्ते में अमेरिका ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में 43% की वृद्धि की थी, उसी हफ्ते अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत के दौरे पर आए थे और यहाँ आकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में जो शॉर्ट प्राइस आ रहा है, यानी जो बढ़ोतरी हो रही है, वो भारत के लिए अच्छी साबित नहीं होगी और भारत को उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दलीप सिंह तो यहाँ तक बोल गए थे कि कल को अगर चाइना एलएसी के पास आक्रामकता दिखाता है तो रशिया भारत को बचाने नहीं आएगा। रशिया तो चाइना का जूनियर पार्टनर है, यानी चाइना के खिलाफ रशिया नहीं बल्कि अमेरिका भारत के काम आएगा। वैसे अमेरिका को तो ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ने पिछले एक साल में दो बार देख लिया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबान से किस तरह बचाया और अब अमेरिका यूक्रेन को किस तरह से रशिया से बचा रहा है। लेकिन वो आज हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है। दरअसल अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर फिर से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें वो एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पिछले कल देर शाम को एक बार फिर बोला है कि रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स को बढ़ाना भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। रशिया से सस्ते दर पर क्रूड ऑयल और कोल मिलने पर भारत भी रशिया से पहले से ज्यादा क्रूड ऑयल और कोल परचेज कर रहा है। उस पर बोलते हुए अमेरिका ने कहा है कि हम चाहते हैं कि, यानी अमेरिका चाहता है कि भारत समेत दुनिया का हर एक देश रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध थोपे गए हैं उनका पालन करे। पिछले कल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत को टारगेट करते हुए कहा कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत अगर रशिया से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल, कोल और बाकी कमोडिटीज को बढ़ाता रहेगा, यानी पहले से ज्यादा परचेज करता रहेगा, तो ये भारत के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि भारत के हित में बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका के मुताबिक भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जेन साकी ने कहा कि अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने भी भारत जाकर हमारे काउंटर पार्ट्स को यही चीज समझाई कि भारत रशिया से एनर्जी और बाकी कमोडिटीज के एक्सपोर्ट्स में वृद्धि ना लाए। भारत केवल 1-2% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करता है। उस पर जेन साकी ने कहा कि हमने भारत को रशिया पर लगे सैंक्शंस के दोनों मैकेनिज्म समझा दिए हैं। अगर भारत चाहे तो अमेरिका खुशी से रशिया के ऊपर भारत की निर्भरता को कम करने में भारत का साथ देने के लिए भी तैयार है, फिर चाहे वो छोटी क्यों ना हो। मतलब कि भारत अमेरिका को जो तर्क दे रहा है कि हम बस 1-2% क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करते हैं, जो कि संख्या में बेहद कम है, उस पर अमेरिका का कहना है कि ये जो 1-2% क्रूड ऑयल भी है, भारत रशिया के बदले अमेरिका से इसको परचेज कर ले और रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता कम कर ले। अमेरिका चाहता है कि यही समय है जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़े और खुलकर रशिया के खिलाफ सामने आए, और जो हथियार और बाकी कमोडिटीज के लिए भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंट यानी रशिया के ऊपर निर्भर है, उस निर्भरता को खत्म करने में अमेरिका भारत की मदद करेगा। भारत को जो चाहिए, जो हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट या फिर क्रूड ऑयल, इनमें से भारत को जो कुछ भी चाहिए होगा, अमेरिका भारत को खुशी खुशी सब कुछ दे देगा। मतलब कि हथियारों के लिए हम अकेले अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और फिर अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीशन रशिया जब फ्रेम से निकल जाए, तो फिर अमेरिका भारत से मुंह मांगा दाम और मोटा पैसा वसूले। मोटे तौर पर कहो तो अमेरिका चाहता है कि भारत न्यूट्रल से अमेरिका के पक्ष में आ जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि ना ही रशिया ना ही अमेरिका, क्या न्यूट्रल रहना ही भारत के लिए सबसे सही पॉलिसी है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।